नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का प्रथम दो चरण का मतदान हो चुका है। हालांकि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं यहां पर, लेकिन अगर आप वास्तव में समझना चाहते हैं कि पहले दो चरण में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, तो इसका सबसे साधारण सा तरीका है कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों पर एक नज़र डालिए। जब तक चुनाव नहीं हुआ था, यानी प्रथम चरण से पहले, प्रधानमंत्री के भाषणों में क्या वो कहा जाता था, क्या कहते थे वो? वो कहते थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक रही है, सबको रोजगार मिल गया है, अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है, इतने घर बनवा दिए, इतने लोगों को गरीबी रेखा से उठा दिया। यानी इस तरीके की ओवरऑल पॉजिटिव बात, जिसमें थोड़ा सा हिंदुत्व का भी तड़का था, राम मंदिर बन गया है, ये सारे मुद्दे भी थे। लेकिन जैसे ही प्रथम चरण का मतदान होता है, तुरंत ही खतरे की घंटी बज जाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी वो काम करते हैं जिसके वो माहिर खिलाड़ी हैं। तो इस बार प्रथम चरण के मतदान के बाद के उनके भाषणों में आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस देश में सैकड़ों हजारों सालों से रह रहे 20 करोड़ लोगों को घुसपैठिया बता दिया। उनके हिसाब से सारे मुसलमान घुसपैठिए हैं। लेकिन अभी रुक जाइए, फिर आता है तीसरा चरण। दूसरे चरण के मतदान के बाद अब कह रहे हैं कि कांग्रेस आपकी भैंस चुरा ले जाएगी, पाकिस्तान में खुशी मनाई जाएगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के भाषणों का स्तर गिरता जा रहा है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का ग्राफ भी गिरता जा रहा है। इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज हम बात करेंगे 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में, जहां पर 94 सीटों पर वोट पड़ने हैं, वहां कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे आज हम लोग बिहार से। पिछले सारे वीडियो में हम लोगों ने तमिलनाडु से शुरुआत की है, लेकिन अब वहां पूरा सभी सीटों पर हो चुका है मतदान, आज हम बिहार से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये है आपके सामने बिहार, और बिहार में आप जानते हैं कि 40 लोकसभा सीट है, 5 सीटों पर तीसरे चरण में बिहार में मतदान होना है। यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में बहुत कांटे की लड़ाई चल रही है। हालांकि चुनाव के पहले पूरी तरह से इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के पूरे परिवार को ही खारिज कर दिया गया था। इंडिया गठबंधन को तो किया ही था मीडिया ने, लेकिन ये भी कहते थे कि तेजस्वी यादव जो है हाई स्कूल फेल हैं, उनमें क्या काबिलियत होगी, लालू यादव के बेटे के होने के अलावा उनमें क्या क्षमता है। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव ने दिखा दिया है कि उनके भीतर क्या क्षमता है, और आने वाले समय में आप देखिएगा तेजस्वी यादव भारत की बहुत बड़ी उम्मीद बनकर सामने आएंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से 2 सीट पर इंडिया जीत रही है, 3 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 2 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ है, पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, फिर इसका विभाजन हो गया, अलग हो गया। और छत्तीसगढ़ में 7 मई को तीसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान होना है, और इन 7 सीटों में से 3 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। ये चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब गुजरात के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जहां भाजपा का गढ़ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से ही आते हैं। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और 26 की 26 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है तीसरे चरण में। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए को गुजरात में 17 सीट मिलने जा रही है, यानी भाजपा का जो नेतृत्व वाला दल है उसे 17 सीट 26 में मिलने जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ 9 सीटों पर जीतेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में इन 26 की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने की वजह से यहां पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जिसने सभी राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया है।
हालांकि मैं शुरू से आपसे कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है, लेकिन शुरुआत में ज़्यादातर लोग इस बारे में बात नहीं करते थे, शायद उन्हें विश्वास नहीं था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी और कुछ हद तक टीवी चैनल पर भी ये बात कही जाने लगी है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में 8-8 सीटों पर मतदान हुआ था। तीसरे चरण में यहाँ 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से 5 एनडीए के खाते में जाएगी और 5 इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी, यानी दोनों का यहाँ पर बराबरी का मुकाबला होगा। 5 इंडिया गठबंधन और 5 एनडीए में जाने के बारे में आप इसी तरह से समझिए कि इस बात का कितना महत्व है कि TV9 भारतवर्ष एक चैनल है जिसने 11 सीट दी थी इंडिया गठबंधन को, अपने पोल में दी है कि 80 में से 11 सीट जीतेगा। इसके अलावा इंडिया टीवी CNX चैनल है जिसने 7 सीट दी थी। तो इस तरह से अलग अलग चैनल हैं जो 80 में से इंडिया गठबंधन को 5-6-7 से लेकर अधिकतम 11 सीट तक दे रहे हैं, जबकि यहां सिर्फ 10 में ही 5-5 की बराबरी आपको तीसरे चरण में देखने को मिलेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितनी सीट यहां पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत सकता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। देखिए, पश्चिम बंगाल वो जगह है जहां बहुत कड़ी लड़ाई हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो पास्ट में भाजपा क्लीन स्वीप कर देती थी, गुजरात भी क्लीन स्वीप कर देती थी, पिछले 2 चुनाव में काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में बहुत ही कांटे का मुकाबला है वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। इस बार यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से 1 एनडीए के खाते में जा रही है और 3 जा रही है तृणमूल या इंडिया गठबंधन के खाते में, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट पार्टीज भी हैं, ये सभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। एक बात और है, जैसे ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुल जो है 42 सीट है पश्चिम बंगाल में। पिछली बार भाजपा यहाँ 18 सीट जीत गई थी, अब इस बार भाजपा यहाँ पर कितनी सीट जीतेगी इस पर भी भाजपा का भविष्य काफ़ी हद तक निर्भर करता है। अब हम बात कर लें जम्मू कश्मीर के बारे में, जहाँ पर 1 सीट पर मतदान होना है। जम्मू कश्मीर ये रहा भारत का मुकुट कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होना है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, आप देखिए ये जो गुजरात है यहाँ पर छोटे छोटे हिस्से में दादरा और नगर हवेली इधर और दमन दीव इधर है, और ये 2 सीट है, इसमें से 1 एनडीए गठबंधन के खाते में जाएगी और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम देखिए, ये है असम, पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का, यहाँ पर ये बांग्लादेश है, उसके ऊपर मेघालय, उसके ऊपर असम। तो असम में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इन 4 सीटों में से 3 एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट ही मिलेगी। इसके बाद है गोवा। गोवा बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, यहाँ अरब सागर से के बीच में, इन तीनों के बीच में यहाँ पर गोवा है, ये जो नीला वाला है ये अरब सागर है। तो गोवा में 2 लोकसभा सीट है, इसमें से 1 सीट एनडीए को मिलेगी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं कर्नाटक। यहाँ पर भी बहुत कड़ी लड़ाई चल रही है कर्नाटक में भी। कर्नाटक ये है गोवा से और नीचे, ये पिंक कलर का आप देख रहे हैं, गुलाबी रंग का। तो कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं तीसरे चरण में 7 मई को, और इसमें 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिल रही है और 9 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बारी आती है, जहां पर 8 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। मध्य प्रदेश जैसा कि नाम है कि भारत के बिल्कुल मध्य में है। यहां पर आपको ये बता दूं कि पिछली बार सिर्फ 1 लोकसभा सीट पर भाजपा की हार हुई थी, 29 में से बाकी 28 भाजपा ने जीत ली थी। अगर आप पिछले चुनाव में देखें 2019 में, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तीनों मिलाकर 80 लोकसभा सीट है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इसमें से 78 सीट भाजपा ने जीत ली थी। लेकिन इस बार भाजपा इन तीनों ही जगह पे बुरी तरह से घिर गई है, जिसका असर
भाजपा के टोटल नंबर पर पड़ेगा और जो सीटें भाजपा की कम हो रही हैं इंडिया गठबंधन की बढ़ भी रही हैं। और इसी तरह से ये चुनाव बहुत ही रोमांचक दौर में प्रवेश कर गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में 8 सीट है, इसमें से 5 एनडीए गठबंधन को मिल रही है और 3 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर मतदान होना है। महाराष्ट्र तो आप जानते ही हैं, ये है ऑरेंज कलर का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के नीचे कर्नाटक से ऊपर। तो महाराष्ट्र में 11 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से 3 सीट एनडीए को मिलेगी और 8 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगी। यहाँ पर जो भाजपा को नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र में, ये बहुत बड़ा है। इसके पीछे वजह यह है कि इसका मुख्य सहयोगी दल शिवसेना अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि भाजपा ने शिवसेना को तोड़ दिया है, जैसी राजनीति के लिए भाजपा जानी जाती है कि अपने ही सहयोगियों को समाप्त कर देती है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न केवल शिवसेना को तोड़ा बल्कि एनसीपी को भी तोड़ दिया है। तो इसके बावजूद अब लोकसभा चुनाव में तो आप नेता तो खरीद लेंगे, आपके साथ आ जाएगा, जनता तो नहीं आ जाएगी ना, तो उसका नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। और 11 में से सिर्फ 3 सीट एनडीए को मिल रही है और 8 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब हम तीसरे चरण की कुल जिन 94 सीटों पर मतदान हुआ है सम्मिलित रूप से उनकी बात करें, तो इन 94 में से 46 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 48 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो अब आप देख सकते हैं मामला कितना गंभीर है। जो मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे चरण आगे बढ़ता जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के जो भाषण हैं उनका स्तर भी नीचे गिरता जाएगा। क्यों? यहाँ भले 46 और 48, एनडीए को 46 और इंडिया को 48 सीट मिल रही है, बराबरी का मुकाबला लग रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि 26 की 26 सीट भाजपा के सबसे मजबूत किले गुजरात में 26 की 26 सीटों पर वोटिंग हो गई है, उसके बावजूद भी एनडीए 2 सीट पीछे है इंडिया गठबंधन से। तो आगे क्या होगा अब आप इसका अंदाज़ा कुछ हद तक ज़रूर लगा सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।